जब हमें लॉकडाउन के बावजूद देशी शराब बनाने का अवैध कारोबार किया जा रहा है, स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और खुद भी शराब के अवैध धंधे को रोकने में लग गए। युवाओं ने एक ग्रुप बनाया और अवैध देशी शराब बना रहे लोगों का भंडाफोड़ कर दिया। लॉकडाउन में देशी अवैध शराब को पकड़ने में जो काम जवा पुलिस नहीं कर पाई, उसे गांव के जागरूक युवाओं ने कर दिखाया। जागरूक युवाओं ने अनैतिक गतिविधियों को लेकर अपना सोशल मीडिया ग्रुप बना रखा है। कुछ दिनों से जवा के भुनगांव गांव में अवैध रूप से लोगों की आवाजाही की जानकारी लगने पर युवाओं ने खुद गश्त करना शुरू कर दिया और अवैध शराब बनाने वालों का भंडाफोड़ कर दिया। बताया जा रहा है कि नदी के एक हिस्से में अवैध देशी शराब बनाई जा रही थी। यहां से करीब 90 से 100 ड्रमों में महुआ लाहन शराब बनाने का सामान बरामद किया गया। कई छोटे ड्रमों में तैयार कच्ची शराब भी बरामद की गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पहले की बात मुझे नहीं पता है, लेकिन आज 10 दिन से हम लोग लगातार गांव में रह रहे हैं। 10 दिन से लगातार बाहर के लोग हमारे गांव में आना जाना लगा रहता है। ये सब अपने मित्र लोग बोले कि भाई ये क्या बात है, यहाँ काहे की पब्लिक, काहे की भीड़ हो रही है। हम लोग जब मुहिम चलाए, हर घर में जा के मना किए कि दारू मत बनाओ, बाहर के लोग हमारे गाँव में ना आए, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। तब आज अपनी पूरी ये भाई लोग सब मिल के नदी की सर्चिंग किए, कम से कम 1,000 डिब्बे दारू के मिले और वहाँ से पुलिस प्रशासन को बुलाया गया। प्रशासन के DSP साहब क्या निर्णय लिए हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हमारे पूरी टीम, हमारे गांव के पूरे ना युवा लड़के, हर वर्ग के लोग थे उसमें, हर वर्ग के लोग की मदद थी और पूरे लोग के कारण हम लोग इस मिशन में कामयाब हुए। मेरे द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि नदी के किनारे कुछ लोग वहां पे शराब बनाते हैं, तो जिसकी सूचना पर मेरी टीम पहुँची थी वहाँ पर। तो हमने वहाँ पर देखा कि काफ़ी मात्रा में वहाँ पे जो लालक डिब्बे होते हैं उसमें महुआ था, जो कि ज़मीन के अंदर उन्होंने गाड़ के रखा हुआ था। तो हमने सब कुछ निकाला, उसका महुआ को निकाल के डिस्ट्रॉय किया है उसको अलग अलग तरीक़ों से। तो भाई नदी में था और जो उनका वेपन वो था, सामान था, और या ईंट थी और जो टिन थे, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।